नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ अंकिता। देश के राज्यों में शराबबंदी के बाद भी शराब से मौत और अवैध शराब का कारोबार चलता है। पुलिस की मुस्तैदी से ऐसे लोग बेनकाब भी होते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि एक केंद्र मंत्री ने नशे के खिलाफ अभियान क्यों छोड़ दिया। वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अब जो वाक्य हम आपको बताने जा रहे हैं, इससे पहले शायद आपने ये सुना हो ना सुना हो, और अगर सुन लेंगे तो दंग रह जाएंगे। एक केंद्र मंत्री को ये क्यों कहना पड़ा कि एक शराबी अधिकारी की तुलना में एक रिक्शा चालक या एक मजदूर बेहतर दूल्हा साबित हो सकता है? क्यों उन्हें लोगों से भावनात्मक अपील करनी पड़ी? एक मंत्री के बेटे की मौत का शराब से क्या है कनेक्शन? बताएंगे आपको केंद्र मंत्री कौशल किशोर को आखिर ये बातें क्यों कहनी पड़ी। दरअसल हुआ यूं कि केंद्र मंत्री कौशल किशोर एक नशा मुक्ति कार्यक्रम में जबलपुर पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि क्रांतिकारियों ने देश को अंग्रेजों से बचा लिया, लेकिन आज सबसे बड़ी चिंता नशे की है। जो नशा अंग्रेज छोड़कर गए, अब वक्त आ गया है कि देश को उससे बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर साल 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत नशे की वजह से हो रही है, इसकी रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि नए साल के जश्न में पार्टियों में नशे का सेवन करने से बचे और संकल्प ले कि उन्हें नशा छोड़ना है। जब शराबबंदी और नशा मुक्ति पर बातचीत हो रही थी तो कौशल किशोर ने अपने बेटे के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि मेरा बच्चा भी नशे के चक्कर में पड़ गया था, शराब की वजह से उसका लीवर खराब हो गया था और 2020 में उसने अपनी अंतिम सांसें ली, जिसे मैं बचा नहीं सका, और उसकी पत्नी शादी के 6 महीने बाद ही विधवा हो गई। कृपा करके आप अपनी बेटियों और बहनों को इस बुरी लत वाले लोगों से दूर रखना और ऐसी किसी आदमी के साथ शादी नहीं करना। उसकी चिता पर आग लगाते वक्त मैंने यह तय कर लिया था कि मैं अपना बच्चा तो नहीं बचा सका, लेकिन दूसरे के बच्चों को नशे से बचा सके इसका अभियान जरूर शुरू करूंगा। और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि हर साल देश में शराब के कारण लगभग 20 लाख लोगों की मौत होती है, लेकिन इसके साथ भी यह भी जान लीजिए कि शराब के अलावा कैंसर से 80% केस की वजह तंबाकू, सिगरेट और बीड़ी भी है। इसलिए न केवल शराब बल्कि इस तरह के नशे से भी दूर रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि जिला स्कूलों में बड़े पैमाने पर नशे के खिलाफ अभियान चलाए जाने चाहिए। बच्चों को सुबह की हर रोज होने वाली प्रार्थना में नशे के खतरों से आगाह किया जाना चाहिए। केंद्र मंत्री के नशे के खिलाफ इस अभियान की तारीफ हर जगह हो रही है। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें जेबीटी लाइव के साथ। नमस्कार। We'll be right back.